कैसे हो दोस्तों। बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं तो मैंने सोचा कि आपको कुछ बढ़िया सुना दिए, क्योंकि हाल फिलहाल ओलंपिक खत्म हुआ है और मैं बोल रहा हूँ कि हमारे महान 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 इंडियन प्लेयर्स ने जो स्पोर्ट्स खेलते हैं उन्होंने से काफी सारे प्लेयर्स ने इस साल रिटायरमेंट अनाउंस कर दिए। तो आज हम टॉप 5 ऐसे प्लेयर्स की बात करेंगे जिन्होंने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स से रिटायरमेंट ले लिया और पूरे देश में ये सारी चीज़ें सुनकर काफ़ी लोग अपसेट हो गए, क्योंकि वो लोग अपने फेवरेट प्लेयर्स को अब नहीं देख पाएंगे। तो बात करेंगे क्रिकेट से। तो क्रिकेट में 3 बंदों ने T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंटरनेशनल T20I से रिटायरमेंट अनाउंस कर लिया है। पहले नंबर पर आते विराट कोहली, दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा, तीसरे नंबर पर रविंद्र जाडेजा। तो क्रिकेट का थोड़ा सा माहौल T20 वर्ल्ड कप के बाद थोड़ा सा डाउन हुआ, फिर आया ओलंपिक। ओलंपिक के बाद मैं बोलूँगा, पर उससे पहले फुटबॉल की बात हो जाए यार। तो फुटबॉल के हमारे महान प्लेयर्स सुनील छेत्री, तो उन्होंने भी अपना इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यानी कि फुटबॉल में से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। तो ये न्यूज़ सुनने के बाद काफ़ी सारे लोग, उनके जो फेवरेट थे वो सब लोग मायूस हो गए थे कि उनको अब सुनील छेत्री देखने को नहीं मिलेंगे खेलते हुए। और वही सारी चीज़ें अब ओलंपिक्स में भी हो रही है कि ओलंपिक्स में आपने एक किस्सा सुना था कि विनेश फोगाट को 100 ग्राम्स ओवरवेट होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया था टूर्नामेंट में से। तो उन्होंने भी ये न्यूज़ के बाद अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है इंटरनेशनल रेसलिंग से। और उसके बाद आते हैं हमारे हॉकी प्लेयर गोलकीपर सेफ्टी वॉल ऑफ द इंडिया, तो मैं बात कर रहा हूँ PR श्रीजेश की। तो उन्होंने भी जीत के साथ, यानी कि हमारी हॉकी टीम ने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया स्पेन को हरा के, तो उन्होंने भी ये जीत के बाद अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। तो ये टॉप 5 प्लेयर थे जिन्हों के लिए मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि इनके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए स्पेशली रिटायरमेंट के रिलेटेड। तो एक बैड न्यूज़ है कि हम इन सारे प्लेयर्स को अब खेलते हुए नहीं देख पाएंगे, पर कहीं ना कहीं किसी भी तरह से हम उनको देख तो ज़रूर पाएंगे फील्ड पे या ग्राउंड पे या कॉमेंट्री में या किसी भी और जगह पे, पर हम अब उनको खेलते हुए नहीं देखेंगे, जो हमें देखने के बाद बहुत अच्छा महसूस होता था वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई है। तो आई होप सो कि आपको ये थोड़ा सा रिटायरमेंट वाला वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा हो। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कीजिए कि आपको और कौन से नए वीडियोस, कौन से टॉपिक के रिलेटेड चाहिए, तो मैं सारी चीज़ें बनाऊंगा। और काफ़ी सारे न्यू एक्साइटिंग वीडियोस अब आने वाले हैं, तो आप डू सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को न्यू व्यूअर्स हो तो, एंड पुराने हो तो लाइक शेयर कमेंट तो कर ही देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। एंड डू सब्सक्राइब, मैं ऐसे ही मिलते रहेंगे न्यू वीडियो के साथ।